हेलो जयंत स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज बिफोर आफ्टर एंड बिफोर। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। यू नो दैट वेरी वेल, बिफोर आफ्टर एंड बिफोर मीन्स पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मीन्स बीच में। ओके, 20 हमने एक नंबर लिखा एंड मैंने पूछा क्वेश्चन, द नंबर बिफोर 20, द नंबर बिफोर 20, द नंबर बिफोर 20, तो नंबर बिफोर 20 इज क्या होगा? यहां पर आंसर लिखना होगा 9, यानी कि बिफोर पहले, इसके पहले कौन से नंबर आएगा? ओके, बिफोर हो गया, इसके पहले कौन से नंबर आएगा? द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, द नंबर आफ्टर 20 इज है, 20 के बाद, तो आफ्टर क्या होगा? ये बिफोर हो गया, ये बिफोर हो गया बेटा, अब आफ्टर ये हो गया, 20 के बाद का कौन सा नंबर आएगा? 21, ओके, तो आफ्टर 20 ये क्या हो जाएगा? आफ्टर, ओके। लास्ट एक और क्वेश्चन पूछते हैं, द नंबर बिटवीन 60 एंड 18, द नंबर बिटवीन 16 एंड 18, अब ये हो गया 16 और ये हो गया 18, नंबर बिटवीन तो मतलब बीच में, बिटवीन ईयर, जो भी नंबर होगा बीच में होगा उसको बिटवीन कहेंगे, तो 16 और 18 के बीच के नंबर क्या होगा? 17, ओके, तो यहां इज नंबर 17, ओके, समझ में आया आपको? ये बिफोर आफ्टर ये बिटवीन, ओके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन है, ऑन पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन है बेटा, 41 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर बिफोर 57 इज ए, द नंबर बिफोर 57 इज, द नंबर बिफोर 57 इज, 57 के पहले कौन सा नंबर आया था? 56 पहले आया था, ओके, बिफोर मीन्स पहले, मीन्स यहाँ 57 है तो बिफोर होगा, तो यहाँ होगा ना 56, अब आपको पूछता है इधर लिखते हम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी द नंबर आफ्टर 69 इज, द नंबर बी द नंबर आफ्टर 69 इज, द नंबर आफ्टर 69 इज, अब 69 ये 69 है बेटा, इसके बाद का नंबर क्या होगा? तो 7 हो जाएगा, ओके, यहाँ 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, द नंबर बिफोर 90, हम राइट नहीं करेंगे, इसी को इरेज कर लेंगे, इसी पर हम काम कराएंगे, ओके। सी क्वेश्चन नंबर सी देखिए, द नंबर बिफोर शी 90 इज क्या होगा? 89, ओके। अब डी पे आते हैं, द नंबर आफ्टर, द नंबर ये क्वेश्चन है डी, द नंबर आफ्टर
अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया है, द नंबर आफ्टर इज 84 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहां पे नंबर ज्ञात कर दिया गया है, ऑलरेडी नंबर दिया गया है, द नंबर आफ्टर इज 84। अब किस नंबर के बाद 84 नंबर आएगा, द नंबर आफ्टर 83। अब 83 के बाद ही तो 84 आएगा, द नंबर आफ्टर 83 इज 84। ओके, क्वेश्चन नंबर इज द नंबर बिफोर 81। अब इसी को हम इरेज कर देते हैं। ओके, द नंबर बिफोर 81, 81 के बाद 81 के पहले क्या आएगा, बिफोर का आ रहा है तो 80 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एफ जो है डिफरेंट है थोड़ा सा, उसको देखते हैं। एफ इन दोनों से अलग है। 67 इज बिटवीन, 67 इज बिटवीन, 67 इज बिटवीन इतना एंड 68। अब बताइए, ये है 67, अब ये बीच में है, समझ लीजिए बीच में, इसके बाद क्या है 68 है, तो इसके पहले कौन सा नंबर होगा, 66 होगा ना, यहाँ क्या होगा 66। समझ में आया, 67 और बीच में है, कहाँ बिटवीन में है, तो इसके बाद का नंबर दिया हुआ है, इससे पहले के नंबर पूछ रहा है बिफोर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 इज बिटवीन आई, 85 इज बिटवीन 84 एंड, अब 85 बीच में है, सीधा सीधा इसको बिटवीन दिया तो हम बीच में राइट कर देंगे पहले। अब इसके पहले 84 आता है, इसके बाद क्या आएगा 86 आएगा, ठीक है, 84 एंड 86। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एच, एच को सॉल्व करने के पहले ब्लैंक दे दिया हुआ है, इज बिटवीन, पहले ही ब्लैंक दे दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है इज बिटवीन, इज बिटवीन 48 and 50, सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे 48 स्पेस बनाएंगे और 50 भी देंगे, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, 48 and 50 का 49, तभी जाकर 50 है, यहाँ क्या आ जाएगा 49। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई, एज बिटवीन 72 and 74, एज सेम है क्वेश्चन, इसी प्रकार से बिटवीन 72 and 74, 72 और 74 के बीच का नंबर क्या होगा, तो 73। सिंपल, जे भी जे नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। ओके, इज बिटवीन 55 और 57 के बीच का नंबर क्या है, यहाँ 55 लिखेंगे। ओके, स्पेस देंगे बिटवीन वाला और 57 लिखेंगे, तो आपको पता है 55 के बाद 56 आएगा, फिर 57 आएगा, 56। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड बुक आल्सो, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।